अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुछ चीज़ें जो कि मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं, ठीक है ना। वैसे तो दस समझो एक तरीके से दरमियान से ही काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाय द वे ये ज़रूरी क्लास थी, मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आगे मतलब इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल हमने लाइन क्रिएट की, मैंने इधर क्लिक कर दिया, इधर मैंने क्लिक कर दिया, इधर मैंने क्लिक कर दिया, और मैंने इस तरीके से इधर क्लिक कर दिया, फिर मैंने इस तरीके से इधर क्लिक कर दिया, ठीक है। स्केप लगा दिया मैंने, स्पेस लगा दिया मैंने, एक मिनट ज़रा इसका व्यू सेट कर देते हैं जी जनाब, ठीक है ना। इस तरीके से हमने बना ली एक डायग्राम, उसके बाद ये देखें अलग अलग है, ये आपको पता ही अलग अलग है, ठीक है, ये अलग अलग है। लेकिन अब हम जे प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ज्वाइन हो जाएगा, ये भी आपको पता है, सारे आप सेलेक्ट करके स्पेस लगा दें ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। और एक्सप्रेस कर दें तो एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन एक और तरीका भी है ज्वाइनिंग का, वो तरीका ये है, आप बी ओ लिखें, बी ओ कहलाता है बाउंड्री, ठीक है। या तो आप यहाँ पर बी ओ लिख दें, या फिर आप एक मिनट रुकिए, ये बाउंड्री ये रही, यहाँ पर आप चले जाएँ, ठीक है। बी ओ लिख दें तो अच्छा है, ताकि आपको शॉर्टकट की भी आदत होगी। बी ओ लिखिए, एंटर कर दें और बाउंड्री एक्टिव हो जाती है। अभी आपसे बोलता है जनाब करना क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप आपने रीजन देनी है पॉलीलाइन में, कहता जनाब पॉलीलाइन दे दें, ठीक है। करंट व्यू पोर्ट, बाकी सब चीज़ ऐसी रहने दें। पिक पॉइंट पर क्लिक करें, ओके पे नहीं, पिक पॉइंट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा वो एरिया ख़त्म हो गया। अब पिक पॉइंट में दरअसल हम वो एरिया सेलेक्ट करेंगे जिसमें कोई कोना बाहर ना निकल रहा हो, पूरा एक बाउंडेड एरिया हो। देखिए क्लिक करा, सेलेक्ट हो गया, और स्पेस लगा दें, स्पेस लगा दिया। ये क्या कह रहा है, बाउंड्री क्रिएटेड वन पॉलीलाइन। ये देखिए आप पॉलीलाइन की सूरत में से कन्वर्ट कर दिया। अब इसे ज़रा एम प्रेस करके इंटर लगाएं और यहाँ पर क्लिक करके इसे ज़रा यहाँ पर डाल दें, आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मौजूद है। बाउंड्री की यही खासियत है कि आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मौजूद रहता है, वैसे ही रिटेन सूरत में रहता है, यानी कि उसी जो कंडीशन उसकी होती है उसी में रहता है। देख रहे हैं आप इस तरीके से, लेकिन वेट, लेकिन अब इशू क्या आता है, ये यूँ कह लें कि इसकी बाउंड्री की ज़रूरत क्यों पेश आती है। बाउंड्री की ज़रूरत जनाब यूँ पेश आती है, मिसाल के तौर पर अब आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक कर दिया, आपने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, ए प्रेस किया, स्पेस लगा दिया, यहाँ क्लिक किया, फिर आपने स्पेस लगा दिया। एक मिनट इसको मैं डिलीट करता हूँ, एंड आई एम जस्ट गोना मेक इट अगेन पॉलीलाइन। और सिंपल मैंने ए लगा दिया और मैंने इसे इधर जाके मिला दिया, कहीं भी मैं मिला देता हूँ इस तरीके से। ओ सॉरी, ए नहीं लिखना बल्कि एल लिखना है, स्पेस। चलें जो भी बना लिया, बन के आ गया हमारे पास, ठीक है। इस शेप हमारे पास एक बन के आ गई। अब एक लाइन और मैं ड्रा करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देता हूँ, स्पेस। अब अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे ना आपस में, तो मिसाल के तौर पर ये सारा का सारा आपके पास क्या है, ये समझे आपके पास रेक्टेंगल की शेप है, ये पूरा का पूरा एरिया आपके पास रेक्टेंगल शेप है मिसाल के तौर पर। अब जे प्रेस करके स्पेस लगा दिए, सारा का सारा रेक्टेंगल शेप है आपके पास ना, ये रेक्टेंगल आपके पास है, ये मुख्तलिफ आपके ऑब्जेक्ट लगाए हुए। अब ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, मैं चाहता हूँ खाली इतना एरिया जो ना, ये एरिया, ये एरिया, ये इतना एरिया एक पीस बन जाए, ठीक है। अब कोई हमारे पास ऐसा एक्स्ट्रा जरिया नहीं है, मैं इसे सेलेक्ट भी नहीं कर सकता, और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसे एक्सप्लोड कर देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, और इसे सेलेक्ट करूँगा, तो देखिए तमाम पीस ये भी आ रहा है बीच में, तमाम पीसेज आ रहे हैं, मज़ा नहीं आएगा। और देखें ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अब आप बी ओ लिखिए, एंटर कर दें, और ये पिक पॉइंट पे क्लिक कर दें, जितना एरिया से बाउंड्रीड मिलेगा ना वहीं पे क्लिक कर दें, देखिए उतनी एरिया की बाउंड्री बनाएगा, और स्पेस लगा दें, और उसके बाद ये देखिए आपके पास बाउंड्री से बना दी सिर्फ उतनी एरिया की। अब इसे आप उठाएं और कहीं भी डाल दें, और तो मैं एक्टिव करता हूँ, पेस्ट इट एनीवेयर, ठीक है जनाब। इसी तरीके से बी ओ लिख के स्पेस लगाया और ये पिक पॉइंट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, स्पेस लगा दिया, ये देखिए ये पीस अलग बाउंड्री बन के आ गया हमारे पास इस तरीके से। और यहाँ ओरिजिनल मौजूद है, ओरिजिनल मौजूद है, यहाँ भी ओरिजिनल मौजूद है, क्योंकि ओरिजिनल तो कुछ है ही नहीं ना, ओरिजिनल तो ब्रेक एक एरिया है, पूरा ब्रोकन एरिया है पूरा आपके पास, आपने खाली बीच में से इस एरिया को, इस मखसूस एरिया को आपने कॉपी कर लिया जो आपको चाहिए था। ये है जनाब बाउंड्री। सो इंशाल्लाह ताला बाकी नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।